दुर्ग के साइंस कॉलेज में पर्यावरण को लेकर के 2 दिवसीय आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने यहाँ पर अपनी बातें रखी। दुर्ग के विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग द्वारा प्रायोजक पीएम उषा के तहत संतोषणीय व्यवसायिक रणनीतियां के तहत आधुनिक व्यापार परिदृश्य में हरित वित्त मानव संसाधन और विपणन विषय अंतर्गत राष्ट्रीय सेमिनार का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु के प्राध्यापकगण एवं शोधार्थीगण ने पंजीयन कराया। इस दौरान गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर अमित मंगलानी ने हरित वित्त सतत विकास के लक्ष्य तथा संतोषणीय व्यवसायिक रणनीतियां एवं इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर एम ए सिद्दीकी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आर एन सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, शैलेंद्र भदौरिया, अमित मंगलानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छात्रों को ये लाभ मिलेगा। छात्र से हमारा सिर्फ रिलेटेड सिर्फ कॉलेज से नहीं है, बाकी भी यूथ जितनी प्रैक्टिसेस कर रही हैं, जैसे हमारा ग्रीन फाइनेंस है, एचआर और मार्केटिंग है। फाइनेंस तो कहीं से भी जुड़ा हुआ है सर, चाहे स्टूडेंट का फाइनेंस सोचें, चाहे प्रीवियस फाइनेंस सोचें, बिजनेस का फाइनेंस सोचें, हर कोई फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी बहुत सारा ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, तो फाइनेंस ये काम करेगा। हमारा रिसर्च जो हमारा सेमिनार भी है कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल रहा आगे का काम फाइनेंस में। और सर मार्केटिंग में तो कॉमर्स शुरू से लेके आखिरी तक काम करता है मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग कैसे हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे बेचे जाएं, उनकी पैकेजिंग कैसी होगी, इसके बारे में सर रिसर्च का टॉपिक भी रहा है। और एचआर प्रैक्टिसेस ये है कि कैसे आप एचआर को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और कैसे उनका यूज़ कर रहे हैं कोरिलेट करके मार्केट ग्रीन फाइनेंस। सर ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा कोर साबित होगा, हमने ग्रीन उसमें लगाया है क्योंकि सस्टेनेबल टॉपिक है सर। और 2047 का लक्ष्य भी है सर कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे रिलेट होगा सर। जितने भी रिसर्चर्स होंगे ये यूथ ही तो है सर जो रिसर्च करेगा, चाहे फाइनेंस पे करे, एचआर पे करे, चाहे मार्केटिंग पे करे, बस उसका टच होना चाहिए सस्टेनेबल कि आप इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे। कि छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होते जा रही, इंडस्ट्रीज़ के लिए नॉर्मल पॉल्यूशंस हो रहे हैं उसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कितना, ये तो छोटी सी शुरुआत है, अभी इससे ये छोटा सा है तो ये ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत 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 ज़्यादा होगा। जितनी हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है उस हिसाब से बहुत ग्रोथ होगा इसमें। आज के समय हम लोग देखते हैं कि एक समय था कि आसपास के वातावरण को देखकर हम लोग को खुशी होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम अपने आसपास ही देख सकते हैं कितने प्रदूषण बढ़ रही है। तो ये इस कॉलेज के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण है और इससे रिलेटेड हम कॉमर्स के विद्यार्थी, हम कॉमर्स के शोधार्थी क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा पहल ये किया गया है इस कॉलेज के द्वारा। ये आयोजन हो रहा है 2 दिवसीय है, यहाँ काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। जो देश में चल रहा है ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन फाइनेंस, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ग्रोथ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे कि बताया गया ईवी के बारे में बताया गया, तो उससे भी लोगों को फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक उसकी सुरक्षा हो सकेगी। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक हमें बताए गए हैं यहाँ। राष्ट्रीय सेमिनार पीएम उषा कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, या ये कह लें उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग हर राज्यों के प्रतिभागी जो हैं भाग ले रहे हैं। 169 हमारे पास जो है बाहर से जो है स्कॉलर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 149 लोगों के हमने एब्स्ट्रैक्ट छापे हैं। और उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से हम विकास के तो कर रहे हैं, मगर विकास साथ हम कुछ ऐसा विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं जो भविष्य की पीढ़ी के लिए बड़ा नुकसानदेह होने वाला है। या हमारा पानी की निर्मलता खत्म हो गई है, हवा का जो है स्तर खराब हो गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि विकास तो हो साथ ही साथ हमारा पर्यावरण का नुकसान ना हो। पर्यावरण यदि नुकसान हो गया तो मानवता के लिए खतरा है, हमारे भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए ज़रूरी है कि आज यदि हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम पैकिंग वो करें जो डिग्रेडेबल हो या बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाए, बायो नुकसान ना हो। नहीं तो क्या हो रहा है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, पानी पिया पानी बॉटल फेंक दी, एक टाइम वो पहाड़ हमारे लिए परेशानी होने वाला है, पैकिंग मटेरियल ख़राब हो रहे हैं। तो हम वो काम करें जो कि भविष्य के पीढ़ी के लिए हमारे
फायदेमंद हो, हम सिर्फ अपना ही नहीं भविष्य को भी देखें, हमारे अगली जनरेशन क्या देंगे वो उद्देश्य को लेकर ये हम आयोजन किया है। और इसके लिए हमारे साइंस कॉलेज ग्रुप को राज्य शासन से और केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट डीवाईटी कॉलेज द्वारा यहाँ 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है ग्रीन फाइनेंस। जिस हिसाब से हम यहाँ आजू बाजू हम लोग इन्वायरमेंट में देखते हैं कि जितना पॉल्यूशन हो रहा है, ये सिर्फ साइंस विभाग की तरफ से नहीं, मतलब कॉमर्स के तरफ से भी एक कदम उठाया जा रहा है अपने बच्चों को अवेयर करने के लिए कि ग्रीन फाइनेंस कितना ज़रूरी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। बाहर से स्पीकर्स को बुलाया गए हैं जिन्होंने अपने वक्ता के द्वारा हम यहाँ के बच्चों को अवेयर कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस हिसाब से हम डिजिटली जितने अवेयर होते जा रहे हैं, जितने यूज़ करते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के जितने करीब होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम कहीं ना कहीं हम अपने नेचर को भी हार्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हार्म हो रहा है इसको रोकने के लिए हमारे जो नवयुवक छात्र हैं उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कार्यक्रम इसी के लिए ही रखा गया है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।